राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दो प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस में राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राव और यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे नीरज डांगी मैदान में हैं। दोनों ही उम्मीदवारों की अपनी अपनी खास पैठ है। केसी राहुल गांधी के करीबी हैं तो नीरज डांगी सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं। आइए जानते हैं दोनों के बारे में। राज्यसभा में कांग्रेस प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल राव प्रत्याशी हैं। कांग्रेस में राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल और साथ ही 57 साल के वेणुगोपाल कन्नूर जिले के रहने वाले हैं। ये भी आपको बता दें, साल 2009 से 2019 तक लोकसभा के सांसद वो रहे हैं। अलजप्पा लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रहे हैं। यूपीए सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में केंद्र में वो रहे। राहुल गांधी के भी काफी करीबी नेता वो माने जाते हैं। सीएम अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं केसी वेणुगोपाल और सीएम अशोक गहलोत के संगठन महासचिव का पद छोड़ने के बाद वेणुगोपाल राव को संगठन महासचिव की जिम्मेदारी मिली। केसी ने एनएसयूआई से करियर की शुरुआत की और राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद सीएम तय करने के लिए केसी वेणुगोपाल राव ऑब्जर्वर बनकर आए थे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हैं केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस में राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं। 57 साल के वेणुगोपाल केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले हैं और साल 2009 से 2019 तक लोकसभा के सांसद रहे हैं। अलजप्पा लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रहे हैं। चलिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी को अब जान लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो। नीरज डांगी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राज्यसभा चुनाव में और प्रदेश के महासचिव रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे समुदाय से नीरज डांगी आते हैं। उनके नाम की घोषणा ने सभी को चौंका दिया था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भी काफी नजदीक वो माने जाते हैं। रेवदर विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं नीरज डांगी। एक कार्यकर्ता को आलाकमान ने मौका यहां पर दिया है राजस्थान की आवाज प्रमुखता से उठाने का जज्बा इनमें है। विकास के मुद्दों पर काम करने की इनकी कोशिश रहती है। पिता दिनेश राय डांगी भी राज्य सरकार में मंत्री रहे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हैं नीरज डांगी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।